सो गाइस गोल्ड रोल में तो नया मॉडल देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर हम लोग को एप्टोकन स्टोर में अपडेट कब देखने के लिए मिलेगा, कौन सा नए रिवार्ड्स आने वाले। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं अपडेट आने वाले नए एप्टोकन स्पेशल रिवार्ड्स के बारे में, कब आप लोग कौन से रिवार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही गाइस बात करने वाले टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि आज 12 बजे आने वाले न्यू इवेंट के बारे में। इसके अलावा गाइस आप लोग के फ्री इमोट एडवांस से रिलेटेड नई अपडेट्स है आप लोग के, वो भी 46 के बाद आने वाले नए चेंजेस, न्यू गन, न्यू कैरेक्टर एंड और भी काफी नई अपडेट्स लेके आए हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी, सो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखते रहना। पर गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमें सकते रहे वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, इसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिए तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने के लिए फ्री डायमंड्स एंड रिडीम कोड लेने के लिए आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मस्त ट्रिक लेके आया हूं, जिसका यूज करके आप लोग भी अपनी आईडी में फ्री में डायमंड्स एंड काफी सारे रिडीम कोड ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करते आप लोग कोई भी ऐसे मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जिससे आज तक आप लोगों ने विंजो ऐप पे रजिस्टर नहीं किया हो। रजिस्टर करने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, सिंपली आप लोग यहाँ पे ओके गो इट पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे क्लिक करो तो आप लोग यहाँ पे 100 से 500 रुपए तक कितने भी रुपए मिल सकते हैं। ये बोनस प्राइज होता है जिसका यूज सिर्फ आप गेम खेलने के लिए कर सकते हो, गेम खेलकर आप लोग इस पैसे को विनिंग अमाउंट में चेंज करके विड्रॉ भी कर सकते हो। बाकी आप लोग यहाँ पे विंजो स्टोर भी देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग को काफी चीप रेट में फ्री फायर मैक्स में टॉपअप करने के लिए टॉपअप पैक देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे गूगल प्ले रिडीम कोड के साथ ही नायका या मंत्रा जैसे गिफ्ट कार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस आप लोग को यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ से आप लोग अपने फ्रेंड्स को रेफर करके पर रेफरल 50 रुपए तक अर्न कर सकते हो, और इन जितने भी पैसों को आप लोग अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने 500 सक्सेसफुली विड्रॉ कर लिया, बैंक स्टेटमेंट बताऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विंजो की तरफ से मेरे यहाँ पे TDS काट कर 475 रुपए आ चुके। तो फिर देर किस बात की कर रहे हो, फटाफट से डाउनलोड करो विंजो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है। तो गाइस हम इसी तरह बात करने वाले हैं सबसे पहले टू नाइट अपडेट के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कल आप लोग हमारे इंडिया सफर एक स्पेशल न्यू फेडरवेल इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें गाइस आप लोग को स्प्लैश द बीट वाली आलोक न्यू स्किल स्किन देखने के लिए मिलेगी, जिसमें गाइस आप लोग को यहाँ पे काफी और कुछ रिवार्ड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लाइक गाइस समर थीम पर कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड्स यहाँ पे फेडरवेल इवेंट में आप लोग को नजर आ सकते हैं, जिसमें से गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ दो रिवार्ड्स को स्किप कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप लोग 9 डायमंड से स्पिन स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग को आलोक की स्किन को परमानेंट निकालने के लिए गाइस यहां पे काफी ज्यादा डायमंड लगने वाले हैं। एप्रोक्स डायमंड की बात करें तो गाइस एप्रोक्स यहां पे आप लोग के 1100 से 1200 डायमंड लग सकते हैं इस स्किन को परमानेंट लेने के लिए। एंड गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, स्पिन की बात करूं तो यहां पे आप लोगों को फर्स्ट स्पिन 9 डायमंड का, फिर 1999 और आखिरी स्पिन आप लोग के यहां पे 499 डायमंड का देखने के लिए मिलने वाला है। तो लगभग आप लोग के जितने डायमंड एक प्रोफाइल एनिमेशन को निकालने में लग जाते हैं फेडरल इवेंट से, उतने ही डायमंड एप्रोक्स आप लोग के इस आलोक स्किन को निकालने में लगेंगे। तो आप लोग चाहो तो इस फेडरल इवेंट के आने का वेट कर सकते हो, कल सुबह 4 बजे हमारे इंडिया सब पर ये जो फेडरल इवेंट है देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी कि ओबी 46 अपडेट के बाद आने वाले नए प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, कुछ ओबी अपडेट के पुराने ओल्ड प्रोफाइल एनिमेशन अभी तक पेंडिंग रखे गए, जिसमें आप लोग को बुलेट मास्टर वाला प्रोफाइल एनिमेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि ये वाला जो प्रोफाइल एनिमेशन है हमारे मेन सर्वर में ऑलरेडी गेम की फाइल्स में एड हो चुके और कुछ सर्वर पर देखने के लिए मिल भी चुके। तो ये तो भाई आप लोग का काफी टाइम से निकल कर आ ही रहा था, सबसे पहले हमारे इंडिया सब पर यही आप लोग एक नया प्रोफाइल एनिमेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी भी गाइस आप लोग के एक आध प्रोफाइल एनिमेशन पेंडिंग रखे गए जो कि इन गेम फाइल्स में ऐड नहीं किए गए और हो सकता है ओबी 46 अपडेट के बाद ऐड किया जाए। जैसे गाइस आप लोग यहां पे सबसे पहले जिग जैगर वाला प्रोफाइल एनिमेशन देखने के लिए मिल जाता है, इस वाले प्रोफाइल एनिमेशन के चांसेस है ओबी 46 अपडेट के बाद हमारे गेम की फाइल्स में ऐड किया जाएगा और भाई ये भी आप लोग को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके अलावा गाइस आप लोग के लिए यहां पे और एक न्यू प्रोफाइल एनिमेशन निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में बात की जाए तो गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो स्पॉटलाइट ग्रोवर वाला आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल एनिमेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो टोटल 2 प्रोफाइल एनिमेशन आप लोग के पेंडिंग रखे गए जो कि चांसेस है कि ओबी 46 अपडेट के बाद इन गेम फाइल्स में, यानी कि हमारे इंडिया सर्वर के मेन सर्वर में ऐड कर दिए जाएंगे और तब जाके एक एक करके आप लोग को नजर आने वाला है। सो आप में से काफी सारे प्लेयर्स के कमेंट आते रहते हैं प्रोफाइल एनिमेशन के रिगार्डिंग, तो मैंने आप लोग को दोनों के बारे में दिखा दिया। बाकी आप लोग मैंने रेड कार्पेट वाला प्रोफाइल एनिमेशन भी बता रखा है, आप लोग को बुलेट मास्टर वाला प्रोफाइल एनिमेशन भी बता रखा है, तो आप लोग चाहो तो बाकी के प्रोफाइल एनिमेशन के आने का वेट कर सकते हो। इसी तरह आप लोग को यहाँ पे कुछ और इमोट भी पेंडिंग रखे गए, जैसे कि लाउड स्पीकर वाला इमोट अभी तक पेंडिंग रखा गया, या फिर गाइस आप लोग यहाँ पे प्ले विद थंडर बोल्ट वाला इमोट भी अभी तक पेंडिंग रखा गया। आप लोगों को तो पता ही होगा काफी कमाल का यहाँ पे इमोट डिजाइन किया गया, लेकिन अभी तक हमारे मेन सर्वर में ऐड नहीं किया गया, तो ये भी आप लोग को नजर आ सकता है ओबी 46 अपडेट के। साथ ही गाइस आप लोग यहाँ पे फ्लैशिंग फॉर विजडम वाला यहाँ पे एक इमोट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि भाई आप लोग को पता है कि भाई ये भी अभी तक पेंडिंग रखा गया है। तो फिशिंग फॉर विजडम वाला आप लोग ये इमोट नजर आ सकता है, तो 2 से 3 इमोट एंड 2 से
से 3 आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल एडमिशन को पेंडिंग रखा जाए, जो कि आप लोग को आफ्टर अपडेट हमारे इंडिया सर्वर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो इनके आने का वेट कर सकते हो। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फाइनली बात करें आप लोग के OB46 स्पेशल एडवांस सर्वर के बारे में, तो बहुत ही जल्दी OB46 एडवांस सर्वर के लिए प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लगभग 10 तारीख से हमारे इंडिया सर्वर पर एडवांस सर्वर के लिए प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 16 अगस्त से आप लोग को एडवांस सर्वर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग का एक फीमेल कैरेक्टर नजर आने वाले, साथ ही गाइस एक न्यू गन भी आप लोग को नजर आ रही होगी, विंटरलैंड स्पेशल एंड दिवाली स्पेशल। ये आप लोग का ओबी अपडेट होगा जिसमें आप लोग के दिवाली एंड विंटरलैंड के सभी रिवार्ड्स को ऐड किया जाएगा। अब देखो गाइस रही बात भी आप लोग को एडवांस सर्वर को किस तरीके से डाउनलोड करके लॉगिन करने के बाद गेम खेलना है या फिर आप लोग को एडवांस सर्वर कैसे मिलेगा, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि फ्री फायर इंडिया के अंदर बैन है एंड फ्री फायर इंडिया अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो एडवांस सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसके अंदर भाई क्या कुछ ऐसे रिवार्ड्स होते हैं जो कि आप लोग नहीं ले सकते। हर एक रिवार्ड आप लोग बहुत कम डायमंड में, बहुत चीप रेट में ले सकते हो, डायमंड भी फ्री में मिलते हैं। तो एडवांस सर्वर में डाउनलोड करने के लिए या लॉगिन करने के लिए आप लोग को एक्टिवेशन कोड चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप लोग एडवांस सर्वर 16 तारीख को डाउनलोड कर लोगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 16 तारीख से एडवांस सर्वर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, 10 तारीख से प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे आप लोग डाउनलोड करने के बाद आप लोग एडवांस सर्वर में अपनी आईडी बनाते हो, तो आईडी बनाने के बाद गाइस आप लोग को एडवांस सर्वर में खेलने के लिए एक्टिवेशन कोड की जरूरत पड़ने वाली है। यानी गाइस आप लोग को जैसे ही आईडी का नेम डाल दोगे तो आप लोग को एक्टिवेशन कोड डालने के लिए बोला जाएगा। एंड एक्टिवेशन कोड आप लोग को पता नहीं होगा तो आप लोग एडवांस सर्वर के अंदर खेल नहीं पाओगे। तो मैं आप लोग को बता दूं, एक्टिवेशन कोड लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्रोम ब्राउजर में जाना और यहां पे सर्च करना एडवांस सर्वर फ्री फायर। एडवांस सर्वर फ्री फायर सर्च करने के बाद आप लोग को गूगल अकाउंट से लॉग इन करने के बाद यहां पे आप लोग को अपना जो एक्टिवेशन कोड है मिल जाएगा, जिसको आप लोग अपने फ्री फायर के एडवांस सर्वर में डाल के अपने एडवांस सर्वर को एक्टिवेट कर सकते हो। काफी बार इनवैलिड कोड की प्रॉब्लम आती है हमारे इंडिया सर्वर पर, पिछली बार भी रेजिन एरर देखने के लिए मिल रहा था क्योंकि इंडिया में एडवांस सर्वर नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग को VPN का इस्तेमाल जरूर से करना है। VPN का इस्तेमाल करके आप लोग को एडवांस सर्वर का प्री रजिस्ट्रेशन करना है एंड एडवांस सर्वर के प्री रजिस्ट्रेशन के साथ ही गेम खेलने के लिए भी आप लोग को VPN का ही यूज करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग को इनवैलिड कोड का प्रॉब्लम आता है तो एक दो दिन आप लोग को वेट करना है। वैसे भी 16 तारीख तक यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, एक दो दिन पहले अगर एडवांस सर्वर निकल कर आ जाते तब जाके आप लोग को प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। बाकी गाइस एडवांस सर्वर का प्री रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है एंड आप लोग वेट कर लीजिए। जैसे प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, अभी वेबसाइट लाइव नहीं है। तो आप लोग एडवांस सर्वर फ्री फायर भी सर्च करोगे तो भी आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप लोग वेट कर लीजिए, एक दो दिन में हमारे इंडिया सर्वर के लिए भी एडवांस सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट लाइव कर दी जाएगी एंड आप लोग तब जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो गाइस एक ऐसा अपडेट जो कि काफी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग रखा गया लेकिन अभी तक इंडिया सर्वर पर देखने के लिए नहीं मिला है। लाइक आप लोग यहां पर देख सकते हो, जैसे आप लोग कस्टम रूम में कस्टम रूम क्रिएट करते हो, यानी गाइस जैसे आप लोग कोई भी कस्टम रूम को ज्वाइन करते हो, तो गाइस आप लोग सामने वाले स्क्वाड की टीम के साथ यहां पे कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, यानी कि वॉइस चैट नहीं कर सकते। लेकिन बाहर के कुछ सर्वर पर ये अपडेट आ चुका है जहां पे कस्टम रूम में आप लोग सामने वाले एनिमी के स्क्वाड के साथ भी वॉइस चैट कर सकते हो। तो मे बी गाइस चांसेस है बहुत ही जल्दी हमारे इंडिया सर्वर पर भी आप लोग को ये जो फीचर है देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है OB46 अपडेट के बाद हमारे गेम में डाल दिया जाए, लेकिन बाहर के सर्वर पर ये आ चुका है, इंडिया सर्वर के लिए अभी तक पेंडिंग रखा गया। तो ये आप लोग के लिए नई अपडेट निकल कर आ रही थी इस वॉइस चैट फीचर के लिए, जिसमें आप लोग कस्टम रूम क्रिएट करते हो तो सामने वाले स्क्वाड के टीममेट के साथ भी वॉइस चैट कर सकते हो। बाकी आप लोग टेक्स्ट मैसेज तो एसएमएस तो अभी भी कर पाते हो इंडियन सर्वर में, तो ये अपडेट बहुत ही जल्दी आप लोग को नजर आ सकते हैं। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें आफ्टर अपडेट आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में, तो गाइस आप लोग को बता दो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोग को नया कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा, जिसका फर्स्ट लुक तो अभी आप लोग को मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट ये एक फीमेल कैरेक्टर का जो कि आप लोग को एक्टिव स्किल के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे गाइस आप लोग जब भी इस कैरेक्टर का यूज करते हो तो आप लोग के नियरेस्ट आसपास जो भी एनिमी नॉकडाउन पड़ा रहेगा उसको ये मार्क कर देते हैं, जो कि आप लोग को रेड या ग्रीन कलर का मार्क देखने के लिए मिल जाता है। अगर थोड़ा पास रहता है तो आप लोग को ग्रीन कलर का देखने के लिए मिलता है, बाकी दूर रहता है तो थोड़ा आप लोग को रेड कलर का मार्क देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस ये जो मार्क करता है तो भाई आप लोग इस कैरेक्टर की स्किल का यूज करके उस एनिमी के साथ पास टेलीपोर्ट भी हो सकते हो, यानी कि जो भी नॉकडाउन एनिमी होता है उसके ऊपर मार्क लगते हैं। गाइस आप लोग जैसे ही एक्टिव स्किल का यूज करते हो तो आप लोग उसके पास ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाते हो। तो कुछ इस तरह की एक्टिव स्किल के साथ आप लोग को हमारा न्यू फीमेल कैरेक्टर OB46 अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा। एंड ये जो कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है अपने टीममेट्स की हेल्प करने के लिए, यानी गाइस जो भी बंदा नॉक कर करके छोड़ के जाता है तो भाई फटाफट टेलीपोर्ट होकर आप लोग उनके किल को चुरा सकते हो। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें आप लोग के एफ टोकन रिवार्ड्स के बारे में, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोग के लिए चिली चिली बंडल निकल कर आ रहा है। आप लोग को पता है इसके साथ का मेल का बंडल हमारे इंडिया सुपर गोल्ड में अपडेट हो चुका है। तो ये जो बंडल आप लोग को आफ्टर अपडेट यानी कि OB46 अपडेट के बाद आप लोग को एफ टोकन में देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है।
तो आप लोग एफ टोकन स्टोर से रिलेटेड ये कुछ नई अपडेट्स निकल कर आ रही थी, मैंने आप लोग को बता दी। बाकी आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।